क्या आपने एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 4 और लेवल 6 दिया था? तो अगर हाँ दिया था तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत मुद्दे की बात जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 4 और लेवल 6 से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा कि जैसा आपको पता है कि लेवल 6 में वैकेंसी क्या है और लेवल 4 में वैकेंसी क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि लेवल 6 में दो वैकेंसी हैं, एक है स्टेशन मास्टर की, एक है कॉमर्शियल अप्रेंटिस की, जबकि लेवल 4 में ट्रैफिक असिस्टेंट की टीए की वैकेंसी। तो बात रहेगी कि सर CBET के बाद यानी साइको टेस्ट के बाद कितने मार्क्स बढ़ेंगे और सर क्यों बढ़ेंगे, तो इन सारी बातों की जानकारी के साथ आप वीडियो को पूरा देखिए और चीज़ों को समझिए कि किस तरीके से और क्या रेफरेंस लेकर मार्क्स बढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज़ों की सही जानकारी के लिए मैं डेली मेहनत करता हूँ। तो जी हाँ, लेवल 4 और लेवल 6 के लिए फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा? फाइनल कट ऑफ के मतलब आफ्टर साइको टेस्ट, यानी कि साइको टेस्ट के बाद CBET के बाद कट ऑफ क्या रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके नंबर कितने से कितने तक बढ़ेंगे, इस सारी बातों को मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अनुराग दीक्षित और आप देख रहे हैं पाठशाला रेलवे एग्जाम, और उम्मीद है मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही होगी। तो जैसा कि मैं बात करूं कि कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं, तो अगर मैं रेफरेंस लेता हूं वर्ष 2018 की ALP की वैकेंसी का, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी थी जिसकी संख्या थी लगभग 27,000, तो उसमें साइको टेस्ट होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था तो जो मार्क्स नंबर ऑफ मार्क्स बढ़े थे ना, वो लगभग 7 से 10 नंबर बढ़े थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और अगर मैं अभी की बात करता हूं तो स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी को अगर मिला दिया जाए तो टोटल 6,000 वैकेंसी है, जिनकी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है। 2018 ALP की वैकेंसी में जब बच्चों को DV के लिए बुलाया गया था तो नंबर ऑफ वैकेंसी का 1.5 गुना बच्चे बुलाए गए थे, तब 7 से 10 नंबर फाइनल कट ऑफ बढ़ गया था। तो यहाँ पर जो 6,000 वैकेंसी है, तो पहली चीज़ तो वैकेंसी भी पिछली बार से कम है, वो 27,000 थी, यहाँ पर 6,000 हैं। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है कि आफ्टर साइको टेस्ट जो DV के लिए कट ऑफ जाने वाला है कितने नंबर बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है ऐसा 10 से 13 नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकता है जोन वाइज, जहाँ पर जितनी वैकेंसी है उनके लिए कैटेगरी वाइज की OBC का कट ऑफ कितना रहेगा, अनरिजर्व कैटेगरी का, EWS, ST और SC कैटेगरी के कट ऑफ को सारे के सारे आपको यहाँ पे प्रदर्शित करूँगा, बताऊँगा। तो पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि इस बार जो 6,000 वैकेंसी हैं, जिसमें स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी हैं, टोटल 6,000 के आसपास है, यहाँ पर जो बच्चों को DV के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वो 1:1 में किया जाएगा, यानी कि जितनी वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी है उतने ही बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि सर कितने नंबर कट ऑफ बढ़कर जा सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, फाइनल कट ऑफ क्या होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं जोन वाइज वैकेंसी और क्या रहने वाला है वहाँ पर, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो कि DV का फाइनल कट ऑफ होने वाला है। आप हाईएस्ट में भी इसमें आपको प्लस 2 नंबर इंक्रीज करके लेने होंगे मेरे कहने पर, आप विश्वास मानिएगा कि इसका रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि बात करूं कि पटना में सिर्फ 155 वैकेंसी थी, रांची जोन में अगर बात करें तो 127 वैकेंसी थी। देखिए इस जोन में वैकेंसी बड़ी कम, और आपको पता है कि इन दोनों जोन का जो कंपटीशन है वो बहुत अच्छा खासा। इलाहाबाद जोन में कुछ ठीक वैकेंसी थी, 450, बात करें कोलकाता जोन की 363 वैकेंसी है, और मुजफ्फरपुर जोन जो कि एक हाईली रिकमेंडेड जोन में आता है, वहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी अगर मैं बात करूँ स्टेशन मास्टर की तो सिर्फ 15 थी। मालदा में 161, चेन्नई में 362 कुछ अच्छा गया था, और अजमेर में 560 वैकेंसी है। लेकिन इन बोर्ड में, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बताया था, ये हाई जोन है, यानी कि हाई रिस्क वाले जोन है, और इसी सीक्वेंस में मैंने वहाँ पे भी रखा था। तो अगर मैं इन बोर्ड्स की बात करता हूँ फॉर स्टेशन मास्टर की लेवल 6 की इस कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर जो मेरा गेस कह रहा है और 100% तक सही होने वाला है कि अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 82 से 88 नंबर का होगा, जो फाइनल DV के लिए बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनकी बात कर रहा हूँ, 82 से 88 नंबर है। आप इस 88 नंबर में भी प्लस 2 नंबर हाईएस्ट करके चलो, हो सकता है कट ऑफ इससे भी ज्यादा जाए। मैं आउट ऑफ 120 की बात कर रहा हूं, क्या चीजें हैं बताता हूं। ओबीसी की बात करता हूं तो 77 से 83, जबकि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाएगा डीबी के लिए फाइनल कट ऑफ, वो आफ्टर साइको टेस्ट वो 73 से 82 के बीच में हो सकता है। एससी कैटेगरी जहां पर 68 से 75 के बीच में रहेंगे, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 65 से 72 के बीच में होता है। और मैं लेवल 4 और लेवल 6 की बात कर रहा हूँ, जिसमें अभी मैं लेवल 6 स्टेशन मास्टर के पोस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कट ऑफ जाएगा क्या और इसका हिसाब क्या रहता है, देखिए जैसे मैं अगर आउट ऑफ 120 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो हो सकता है क्योंकि बच्चे बाद में कमेंट करते हैं कि आप वीडियो डिलीट मत करिएगा और ये वो फलाना डिपकाना,
मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आउट ऑफ 120 की बात करता हूं तो इसके हाईएस्ट कट ऑफ में आप प्लस या वन या प्लस टू नंबर और ऐड करके रखिएगा, मिनिमम तो ये रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आउट ऑफ 100 में देखता है रेलवे भर्ती बोर्ड, अगर वो 120 को 100% मान के चलता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा जिसमें सीबीटी 2 का जो हिस्सा होता है वो 70% होता है और जबकि सीबीएटी का यानी कि साइको टेस्ट का हिस्सा 30% का होता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। प्रतिशत में मैं अगर बताऊं तो अगर ये 100 को मान के चलेगा तो इसका जो कट ऑफ होगा थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन अगर इसने 120 लेकर चला आरआरबी भर्ती बोर्ड तो ये कट ऑफ हाईएस्ट कैटेगरी में भी प्लस वन या टू नंबर हो सकता है, लोएस्ट कैटेगरी इतनी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अगर मैं आगे के जोन की बात करता हूं जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी और उसके फाइनल कट ऑफ जो कि डीवी के लिए होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होंगे, जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अगर उनकी बात करें तो मुंबई जोन में 465 वैकेंसी थी स्टेशन मास्टर के लिए और इसको एक अच्छी खासी वैकेंसी माना जा सकता है। गोरखपुर की बात करें 206 वैकेंसी के साथ, भोपाल 114 वैकेंसी, सिकंदराबाद में 841 वैकेंसी थी, बेंगलुरु में 899, इन दोनों भर्ती बोर्ड में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी बहुत अच्छी थी। और बेंगलुरु बोर्ड की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेशन मास्टर की वैकेंसी थी। सिलीगुड़ी पोस्ट की बात की जाए तो वहां मात्र और मात्र 50 वैकेंसी थी स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए। और अगर यहां पर देखूं कि यहां पर कट ऑफ किस हिसाब से जाने वाला है तो आपको बताएं, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ, ये मीडियम जोन के रेलवे भर्ती बोर्ड है, यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 78 से 85 के बीच में रहेगा, वहीं ओबीसी जो है 74 से 80 के बीच में खेलेंगे, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा फाइनली डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिन बच्चों के 72 से 80 नंबर के बीच में आ रहे हैं वो इसके लिए देख सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें 66 से 72 के बीच में होगा, और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो 63 से 70 नंबर के बीच में होता है। अब आते हैं इजी जोन में। इजी जोन में वो जोन होंगे, वो भर्ती बोर्ड होंगे जहां पर कंपटीशन बहुत कम था, बहुत कम का मतलब कम था, इनसे कम था। उसमें अगर बात करें तो जम्मू जोन जहां पर 322 वैकेंसी थी, भुवनेश्वर जोन मात्र 61 वैकेंसी स्टेशन मास्टर के लिए, गुवाहाटी में मात्र 120 वैकेंसी, बिलासपुर 264, चेन्नई 601 अच्छी खासी वैकेंसी थी, मालदा की बात की जाए 290 और त्रिवेंद्रम की बात की जाए 340। अच्छा, इन भर्ती बोर्ड में कट ऑफ बहुत कम रहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है। आपको बताएं चेन्नई भर्ती बोर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ तो मात्र 65 ही गया था, अगर अहमदाबाद की बात करें तो 61 रहा था जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। तो यहाँ पर क्योंकि कंपटीशन कम है तो कट ऑफ भी कम जाता है, तो उस हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है कि अनरिजर्व कैटेगरी इन भर्ती बोर्ड के लिए स्टेशन मास्टर पोस्ट की अगर बात की जाए तो 77 से 82, ओबीसी 72 से 78, ईडब्ल्यूएस 70 से 76 के बीच में, और एससी कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 64 से 70 के बीच में जाएगा, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 60 से 65 के बीच में होता है। अब आपके लिए एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं, तो बात करते हैं उस छोटी सी बात की। वो छोटी सी बात ये है कि अगर मैं बात करूँ कि इसके मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, मतलब जो बच्चे स्पेक्टिकल्स का यूज़ करते हैं, चश्मा लगाते हैं, वो इसमें ना के बराबर आ पाएंगे। तो इसलिए अगर कुछ क्षेत्रों में, कुछ जोन्स में इसकी वैकेंसी वैकेंट रहती है तो वहाँ पर कुछ बच्चों को और बुला लिया जाएगा, कुछ बच्चे और डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तो हो सकता है इस कारण से कट ऑफ थोड़ा बहुत कम जाए, लेकिन इससे वेरिएशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इस नंबर के आसपास खेल रहे हैं तो साइको टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होना तय है। और आप सभी को शुभकामनाएं, आप सेलेक्ट हैं।